हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। ये 2024 में ही रिलीज हुई है। इस ड्रामे का नाम है लायर्स इन लव। ये एक फेक कॉन्टेक्ट मैरिज ड्रामा है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं। अपने फोन में एक फोटो देखती है, जब अपने सामने बैठे आदमी के पास आती है और आपको उसके सामने रोना शुरू कर देती है। कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। सारे लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं, पर यहाँ तो ये आदमी शॉक था क्योंकि वो उस लड़की को जानता भी नहीं। और अब हम देखते हैं, ये हमारी कहानी की फीमेल लीड है, उसका नाम नैन्सी होता है। ये बताती है कि एक स्कम्बेस टेस्टर का जॉब कर दिया। अपने टैलेंट और एक्टिंग स्किल से उन लोगों का झूठ सामने ला दिया जो दूसरों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा दे हैं। इस तरह से इसने आज तक बहुत से लोगों के ब्रेकअप्स करवाए हैं, मतलब कि जो लोग झूठे प्यार में थे उन्हें उनसे बाहर निकाला है। यहाँ वो बताती है कि आज तक उसे अपने करियर में कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला है और कोई अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं चीट कर रहा है। यहाँ नैन्सी अपने फ्रेंड उनके साथ खाना खा रही होती है। यंग नैन्सी को कहता है, हमारे आंट ने बताया कि तुम्हारे फादर का जो फार्म है विलेज में, उसे डिमोलिश करने के लिए आज कुछ लोग आए थे। ये सुनकर तो नैन्सी हैरान होती है। वो डोंग को कहती है, मुझे अपने डैड के फार्म को हर हाल में बचाना है। यहाँ डोंग नैन्सी को कहता है, तुम ये जो स्कम्बस टेस्टर का जॉब कर दियो, उससे अच्छा था तुम अपने डैड के फार्म में ही काम कर लो। नैन्सी उसे गुस्से से घूरती है और उसका खाना भी खुद ही खा लेती है। कहती है, तुम इसकी जरूरत नहीं है, आजकल तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। और इधर दूसरी तरफ अपने कहानी के मेन लीड मिस्टर जाओ को देखते हैं। उसका पूरा नाम जायू है। ये जाओ ग्रुप का CEO है और ये उसका सेक्रेटरी ली होता है। ये एब्रॉड से सालों बाद वापस आया है। कंपनी में से देखकर सारे लोग बात करने लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सुन CEO जाओ के बीच वॉर शुरू होने वाली है रिसोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर। सब लोग देखने के लिए एक्साइटेड है। रिसोर्ट प्रोजेक्ट किससे मिलने वाला है, स्टेप मदर को या स्टेप सन को? ये जायू के फादर मिस्टर जाओ हैं। वो यहाँ जायू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और ये वाइस प्रेसिडेंट शुन है, क्योंकि जायू की स्टेप मदर है। हाँ, वो जायू को कहती है, तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह दिखते हो। जायू के फादर कहते हैं, अपनी मॉम की तरह दिखता है। जायू के फादर कहते हैं, चाहता हूँ तुम अपने आंट के साथ मिलकर काम करो। इधर नैन्सी लिंगसी विलेज आ जाती है कि उसका होम टाउन है। और यहाँ उसकी आंट से बताती है, जाओ ग्रुप की तरफ से कुछ लोग आए थे कि उसके डैड के फॉर्म को डिमोलिश करने वाले हैं। वो एक रिसोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। इधर जायू अपने फादर को कहता है, मैंने सुना है आप लिंगसी विलेज में एक रिसोर्ट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। लिंगसी विलेज मेरी मॉम का होम टाउन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट मैं संभालूं। और यहाँ मैं सुन जायू को कहती है, हम काफी वक्त एब्रॉड में थे, मैं यहाँ के माहौल के बारे में नहीं पता है, इसलिए तुम्हें ये न्यू प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ जायू अपने डैड को कहता है, अगर मैंने 3 महीने में हमारी कंपनी को 10% प्रॉफिट मिलाया तो मैं सुन को ये प्रोजेक्ट मुझे देना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए एब्रॉड चला जाऊंगा। ये सुनकर सुन कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो यहाँ जायू कहता है, अगर आप शर्त हार गई आपको अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़नी होगी। जायू के फादर क्लियरली देख रहे थे दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। मैं सुन जायू को कहती है, मुझे भी तुम्हारी शर्त मंजूर है। इधर देखते हैं नैन्सी की आंट इस फार्म को हर हाल में बचाना चाहती है। यहाँ नैन्सी कहती है, एड ने यह फार्म 20 सालों के लिए जाओ ग्रुप को लीज पर दे दिया था और अगर अब जाओ ग्रुप इसे डिमोलिश करना चाहता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर डैड कहाँ है हम तो ये भी नहीं जानते। नैन्सी की आंट कहती है, इस फार्म से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी है, इसे बर्बाद होता नहीं देख सकती। यहाँ नैन्सी अपने बचपन के बारे में सोच रही होती। बच्चे उसे बहुत ही परेशान करते थे, वो बिल्कुल अकेली थी। यहाँ तक कि उसके डैड भी उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी आंट ने उसका ख्याल रखा और उसे अपनी डॉटर की तरह पाला, इसलिए अब वो अपने आंट और अब अपने आंट के लिए नैन्सी इस फार्म को हर हाल में बचाना चाहती है। और अब नेक्स्ट डे नैन्सी डोंग के साथ प्लानिंग करती है। डोंग यहाँ उसे जाओ ग्रुप की फुल इन्फॉर्मेशन देता है। डोंग नैन्सी को बताता है कि उसके फार्म के लीज कॉन्ट्रैक्ट पेपर जाओ ग्रुप के इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में होंगे। उसका हेड जायू है जो कि कंपनी का CEO और जनरल मैनेजर दोनों है। उसे जायू से इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का की कार्ड हासिल करके अपने फार्म के लीज कॉन्ट्रैक्ट पेपर को वहाँ से निकालना है। डोंग नैन्सी को कहता है, आज जायू एक डिनर पार्टी में जाने वाला है, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ देखते हैं उस पार्टी में नैन्सी भी बहुत शादी है। उसने और डोंग ने मिस्टर जायू पे पूरी नजर रखी होती है। इधर देखते हैं जायू के पास एक लड़की आती है कि उसके डिपार्टमेंट की स्पोक पर्सन थी, जायू ने फायर कर दिया आते ही। हाँ, वो
जायो के गले पड़ रही होती है, उसे कन्विंस कर रही होती है वो उसे फायर ना करे, पर जायो डायरेक्टली उसे खुद से दूर रहने को कहता है। इसका नाम तियान होता है। रिजेक्ट होने के बाद वो गुस्से में जायो को कहती है तुम्हें बहुत पछतावा होगा और वहाँ से चली जाती है। यहाँ नैन्सी ये सब देख रही होती है कैमरे के जरिए। वो हैरान होती है ये आदमी तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इधर गुस्से में ध्यान पार्टी के बीच में आकर जायो पे इल्जाम लगा दिया। जायो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जब उसने मना कर दिया तो जायो ने गुस्से में उसे फायर कर दिया। आप पूरी पार्टी में तहलका मचाता है। अब रिपोर्टर्स जायो से सवाल करने लगते हैं। अब यहाँ नैन्सी के पास अच्छा मौका होता है, वो पीछे से कहती है कि ये सब झूठ है। अब यहाँ वो रिपोर्टर्स को वो वीडियो दिखा देती है, इससे सब लोगों को ध्यान की सच्चाई मालूम हो जाती है। यहाँ जायो हैरान था कि ये लड़की है कौन। यहाँ रिपोर्टर्स भी नैन्सी से पूछने लगते हैं कि आखिर वो कौन है, वो मिस्टर जाओ को क्यों बचा रही है। तो यहाँ नैन्सी कहती है तो वो जायो की गर्लफ्रेंड है। सुनकर तो सब हैरान थे और अब जायो कहने लगता है ये झूठ है, नैन्सी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इससे पहले ही नैन्सी सबके सामने उसे कैस कर देती है और इसी दौरान वो उसके पॉकेट से कार्ड भी निकाल लेती है। जायो तो पूरी तरह से शॉक था। इधर नैन्सी देखती है ये तो जायो के रूम का कार्ड होता है, मतलब उसके किसी काम का नहीं। तभी यहाँ जायो आता है, वो नैन्सी को सूचिंग कहता है। कुछ देर पहले का वक्त देखते हैं, अंग नैन्सी को बताता है सूचिंग सु ग्रुप की इकलौती एयरेस है। सूचिंग और जायो की एंगेजमेंट सालों पहले तय कर दी गई थी। सूचिंग फिलहाल जर्मनी में, ऐसे रूमर्स है उसने जायो से शादी से इनकार कर दिया है। अगर इस वक्त तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन के पार्टी में जा रही हो तो किसी को तुम पर शक नहीं होगा कि आज तक सूचिंग को किसी ने नहीं देखा है। खुद जायो भी उसे नहीं जानता है और नैन्सी बिल्कुल वैसा ही कर दी है। वो जायो की फियांसी सूचिंग के तौर पे अपना इंट्रोडक्शन दी दिया। जायो तो उससे हाथ भी नहीं मिला था। इधर जायो सूचिंग यानी कि नैन्सी को कहता है आगे तुम यहाँ आज क्यों आई हो, हमारे पास तो बहुत से मौके थे हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने के, तुमने आज ही का दिन क्यों चुना। वैसे भी मैंने तो सुना है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। नैन्सी जायो को कह दिया क्या आज तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं हुए हो। उसके पास जाकर बैठ जाती है। जायो थोड़ा दूर खिसक जाता है। ये देखकर नैन्सी जानबूझकर उसके करीब जाती है। यहाँ जायो कहता है लगता है तुम्हें मुझ पे क्रश है। तो नैन्सी कहती है आज मैंने देखा तुम्हें लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल उस तरह की बनने की कोशिश करूंगी। फिर जायो नैन्सी को कहता है मेरी फैमिली ने बताया कि तुमने शादी से इनकार कर दिया है। तो नैन्सी कहती है कि पहले मैंने तुम्हें देखा नहीं था, जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो तुम मुझे पसंद आए, जब तुम्हें आज अपनी आंखों के सामने देखा तुम तस्वीर से भी ज्यादा हैंडसम हो। वो जायो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। जायो डायरेक्टली कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम मेरी तरह बिल्कुल नहीं हो। तो नैन्सी कहती है तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं आया। यहाँ जायो उसके करीब जाकर कहता है मुझे तुम्हारा पूरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सुनकर तो नैन्सी का गुस्सा आता है और अब यहाँ वो जायो को कहती है तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज जो खबरें और गॉसिप फैलने वाले हैं उन्हें रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जायो कहता है हाँ मैं संभाल लूंगा। अब नैन्सी वहाँ से निकल जाती है। जब तक उसे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की कार्ड जायो से हासिल नहीं होते उसे सूचिंग होने का नाटक जारी रखना होगा। इधर ली जायो को सूचिंग की प्रोफाइल दिखाता है और कहता है आज आपकी जो फियांसी आई थी वो थोड़ी अलग लग रही है। जायो कहता है पहले तो आज जो रिपोर्टर्स आए थे उन्हें तुम संभालो, पारी के बारे में कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए और हमारे रिलेशनशिप के बारे में तो बिल्कुल नहीं। इधर नैन्सी के बाहर आते ही आओ लैपटॉप बंद कर देता है। नैन्सी उससे पूछती है मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती। जायो कहता है नहीं तुम बहुत ही सुंदर हो। यहाँ नैन्सी कहती है नचे ने कहा कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, तो मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। वो दाई को कहती है तुम लैपटॉप में क्या देख रहे थे। पर यहाँ तो उसके और जाओ की किसकी फोटोज होती है, ये देख कर तो वो शॉक थी। ताओ कहता है घबराओ मत, जायो ने पहले ही मीडिया को कंट्रोल में रखा है, आज पार्टी में जो भी हुआ वो पब्लिक नहीं होगा। पर इस फोटो का मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पहले ही सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, इसमें तुम्हारा चेहरा क्लियर नहीं है। यहाँ जायो नैन्सी की तरफ देख रहा होता है तो नैन्सी कहती है मैं नॉर्मली अपने पेट्स को किस करती रहती हूँ, इस जायो को कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। इधर नेक्स्ट डे जायो कंपनी आता है। यहाँ हर एम्प्लॉय उसके बारे में ही बात कर रहा होता है, वो एक लड़की के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। रवि धरली जायो को वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि नैन्सी उसके सामने रो रही होती है, उसके प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसे छोड़ रहा है। यहाँ वो नैन्सी को नहीं पहचान पाता। लीक कहता है अचानक से आपका ये वीडियो लीक हुआ है, क्या सच में ही लड़की आपकी गर्लफ्रेंड और ये प्रेग्नेंट है। जायो कहता है बकवास बंद करो मैं तो इसे जानता भी नहीं, इसके झूठ को तो उसी दिन पकड़ लिया था, ढूंढो ये लड़की कौन है। और ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इधर
इधर नेक्स्ट डे नैन्सी जायो की कंपनी पहुंच जाती है कि वो की कार्ड हासिल कर पाए। वो बता रही है कि वो जायो की फियांसी सुचिंग है, वो उससे मिलने आई है। यहाँ ये एम्प्लॉई सुचिंग को कहती है मिस्टर जाओ ने स्पेशली कहा है उनकी फियांसी को अंदर ना आने दिया जाए। इससे तो सुचिंग हैरान थी। तभी यहाँ सुचिंग की नजर जा रही कंपनी में न्यू एम्प्लॉय की इंटरव्यू चल रहे होते हैं। यहाँ वो एक न्यू इंटरव्यूअर के तौर पे कंपनी में एंटर कर जा रही है। तभी यहाँ सामने उसे अपना सीनियर निंग देखता है। उसे देखकर वो छुपने लग जा रही है। यहाँ नैन्सी उसे देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है और खुद से ही कहती है आज वो उससे क्यों मिली। इधर देखते हैं ली एक लड़की को जायो के केबिन में जाने से रोक रही होती है। इसका नाम डीना होता है, एक एक्ट्रेस है। ये जायो को बहुत ही पसंद करती है। वो जायो से मिलने आई होती है। जायो ली यहाँ टीना को कहता है जायो ने उसे अंदर आने से मना किया है। और तभी यहाँ पर नैन्सी आ जाती है। यहाँ का माहौल देखकर वह सारी बात समझ जाती है। टीना पूछती है तुम कौन हो। नैन्सी कहती है मैं सुचिंग हूँ, जायो की फियांसी। ली उसे भी अंदर जाने से रोकता है। यहाँ टीना उसका मजाक उड़ाती है, कहती है तुम तो उसकी फियांसी हो, वो तुम्हें भी अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा। यहाँ नैन्सी उसके पैर अपने सैंडल्स चढ़ा देती है और फिर टीना को सॉरी भी कहती है। टीना को तो बहुत ही गुस्सा आता है। तभी यहाँ नैन्सी को अंदर जाने का एक आइडिया आता है। यहाँ वो टीना को सॉरी कहती है। दादी कहती है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो वही फेमस एक्ट्रेस टीना हो ना। वो अपनी तारीफ सुनकर तो टीना भी खुश हो जाती है। सुचिंग कहती है मैं तुम्हारे पैरों को साफ कर देती हूँ, फिर मेरे वजह से तुम्हारे सूट गंदे हो गए। यहाँ टीना सुचिंग को कहती है तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो, अगर तुम चाहो से एंगेजमेंट तोड़ देती हो मैं तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दूंगी। यहाँ सुचिंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं उससे शादी करने आई हूँ। ये सुनकर तो टीना का गुस्सा आता है। वो जैसे ही उठती नीचे गिर जा रही है क्योंकि सुचिंग ने उसके लेसेस को बांध दिए थे। सब लोग उसे संभालने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर सुचिंग जायो के केबिन में चली जाती है। जायो तो नैन्सी को यहाँ देखकर हैरान था, कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। नैन्सी उसे अपने पास आने को कहती है। जायो उसके पास जाकर बैठ जाता है, कहता है बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तो तुम्हें क्लियरली कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यहाँ नैन्सी जायो के करीब जाती है और उसके टाई निकालने लगती है। जायो कहता है तुम ये क्या कर रही हो, अगर किसी ने हमें ऐसा देखा तो गलतफहमी हो जाएगी। नैन्सी कहती है मैंने डोर लॉक कर दिया है। उसके और करीब जाने लगती है। यहाँ जायो पूरी तरह से घबरा जाता है। जैसे ही वो उठने लगता है उसकी जैकेट फट जाती है। यहाँ वो नोट करता है, नैन्सी उसके पॉकेट को चेक कर रही है। वो पूछता है तुम क्या ढूंढ रही हो। नैन्सी तो घबरा जाती है। वो कभी की कार्ड्स को चेक करती है तो कभी डॉक्यूमेंट्स को हाथ लगा रही होती है। जायो को कहती है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर तो जायो पूरी तरह से शॉक होता है, ये लड़की कितनी बोल्ड है। और अब नैन्सी जायो से उसका की कार्ड लेती है, कहती है मुझे तुम्हारा की कार्ड चाहिए कि तुम इतने पॉपुलर जो हो। जायो नैन्सी के क्लोज आता है, कहता है क्या तुम यहाँ की कार्ड्स के लिए आई हो। नैन्सी कहती है तुम्हें क्या लगता है। इधर बाहर देखते हैं टीना ने एक को मार मार कर उसकी हालत खराब की होती है। जब ये दोनों जायो के रूम में आ जाते हैं और यहाँ का नजारा देखकर तो दोनों ही हैरान थे। यहाँ जायो और नैन्सी भी घबरा जाते हैं। तरह जायो तो बहुत ही एम्बेरस होता है। वो ली और टीना को बाहर जाने को कहता है। यहाँ ली जायो को कहता है वो चेयरमैन ने मिलने को बुलाया है। अब यहाँ नैन्सी भी जायो को कहती है तुम बहुत बिजी हो तो मैं जा रही हूँ। और अब यहाँ टीना जायो को कहती है तुम सच में उस सुचिंग से शादी करने वाले हो। यहाँ तो जायो बहुत ही परेशान हो जाता है। रफ सीन चेंज होता है। यहाँ जायो के फादर उसे कहते हैं हमारे रिसोर्ट प्रोजेक्ट के एक पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि शो ग्रुप हमारा न्यू पार्टनर बने। जायो को कहते हैं वो सुचिंग से शादी कर ले। और यहाँ जायो अपने फादर को कहता है आप बिजनेस के लिए अपने बेटे को बेचना चाहते हैं, ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर जायो के फादर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं अगर तुमने सुचिंग से शादी नहीं की मैंने तुम्हें जो तुम्हारी मॉम के लिए शिंग विलेज के प्रोजेक्ट देने का वादा किया था उसे मैं तुमसे छीन लूंगा। हाँ जायो अपने फादर को कहता है खुद से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आज आपने जो बिजनेस क्या किया है वो भी आपको मेरी मॉम के डैड से मिला है। सुनकर जायो के फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं तो अब तुम अपने फादर से इस तरह बात करोगे। जायो कहता है मैं सुचिंग से शादी के लिए तैयार हूँ और मुझे हर हाल में वो लिशिंग विलेज का प्रोजेक्ट चाहिए। और तभी यहाँ जायो को कॉल आता है, पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर मिसिंग है। वो घबरा जाता है, वो बहुत जल्दी में जा रहा होता है। वो सोचिंग भी उसका पीछा करते हुए बहुत जाती है। जायो उसे देख लेता है, कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। नैन्सी कहती है परेशान लग रहे थे इसलिए मैं भी आ गई। यहाँ मेड जायो को बताती है कि ग्रैंडफादर आज सुबह से ही मिसिंग है। जायो अपने ग्रैंडफादर के रूम में जाता है, उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा होता। नैन्सी जायो की फैमिली फोटोज देखती है, उससे पता चलता है जायो का एक और भाई है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। यहाँ उसे जायो के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की तस्वीर मिलती है, उस पे एक बर्थ डेट लिखी होती है। जायो बताता है कि आज उसके ग्रैंडमदर बर्थडे है।
कि उसके ग्रैंड मदर की मौत हो चुकी है। उस फोटो पे एक जगह की भी नाम लिखी होती है। नैन्सी कहती है हमारे ग्रैंडफादर जरूर इस जगह पे होंगे। जैसे ही जायो और नैन्सी यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ की ओनर जायो को बताती है हमारे ग्रैंडफादर आज सुबह से यहाँ आए हुए हैं। वो डांस कर रहे हैं, रुकने का नाम ले रहे हैं। जायो घर जाना चाह रहे हैं। वहाँ जायो अंदर आता है तो देखता है कि ग्रैंडफादर डांस कर रहे हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है। जब यहाँ वो नैन्सी को देखते हैं कहते हैं तुम आ गई। जायो फिर नैन्सी को आगे कर देता है। दरअसल जायो के ग्रैंडफादर को एमनीशिया होता है। यहाँ वो नैन्सी को अपनी वाइफ मेसन कर रहे होते हैं। वो नैन्सी के साथ डांस करते हैं। जब नैन्सी उन्हें घर चलने को कहती है वो तैयार हो जाते हैं। वहाँ नैन्सी के पैर लड़ खड़ाते हैं। जायो उसे पकड़ने लगता है। उसके ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं, कहते हैं तुम कौन हो, तुम मेरे वाइफ को टच क्यों कर रहे हो। ये सुनकर तो जायो हैरान होता है। नैन्सी भी सारी बात समझ जाती है और ग्रैंडफादर को कहती है जायो हमारा ग्रैंडसन है। और वो जायो को कहती है बेटा इधर आओ और अपनी ग्रैंडमा को अच्छे से ट्रीट करो। ये सुनकर तो जायो शॉक था। यहाँ जायो नैन्सी को थैंक्स करता है कि वजह से ग्रैंडफादर घर चलने को तैयार हो गए। नैन्सी कहती है मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी सेक्रेटरी के तौर पे काम करना चाह रही हूँ। नैन्सी अपने मन में सोच रही होती है तुम्हारी सेक्रेटरी बनकर ही अपने फार्म के लीज कॉन्ट्रैक्ट पेपर तुमसे हासिल कर सकती हूँ। वही दूसरी तरफ जायो अपने मन में कह रहा होता है ये मुझे बहुत पसंद कर दिया तो मेरे करीब रहने की कोशिश कर रही है। अब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तभी नैन्सी देखती है कार के नीचे एक बिल्ली हो रही है। ये दोनों से बाहर निकालते हैं। वो अपने कार से बिल्लियों के लिए खाना लेकर आता है। देखकर नैन्सी कहती है बिल्लियाँ बहुत ही पसंद है। पर जायो कहता है नहीं। नैन्सी कहती है तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें पसंद है तभी तो तुमने अपने कार बिल्लियों के लिए खाना भी रखा है। यहाँ वो जायो को बिल्ली दे देती है और कहती है अब तुम इसका ख्याल भी रखना। जायो कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नैन्सी कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी। इधर नेक्स्ट डेली नैन्सी को कंपनी में जायो की सेक्रेटरी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। देखकर तो सारे एम्प्लॉय हैरान थे। इधर नैन्सी जायो के केबिन में चली जाती है। इधर एम्प्लॉयज ली को कहते हैं वो यहाँ मिस्टर जाओ को डेट करने आई है। इधर नैन्सी जायो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई होती है। जायो कहता है मैं पहले ही खा चुका हूँ। नैन्सी कहती है थोड़ा सा तो खा ही सकते हो और जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ जायो को भी याद आता है कि फादर ने कहा है कि उसे सुजिंग से शादी करनी होगी तो यहाँ वो थोड़ा सा खाना खा लेता है। इधर देखते हैं मैनी रे ऑफिस में ये बात फैला देती है सीईओ की फियांसी अब उसकी सेक्रेटरी बन चुकी है। क्या होगा जब उसे पता चलेगा सीईओ ने एक लड़की को डंप किया है जो कि प्रेग्नेंट थी। तो ये सब टाइप कर ही रही होती है। नैन्सी पीछे से सारे मैसेजेस पढ़ ले रही है। जब वो चेक करती है तो उसे वो वीडियो दिखता है। जब उसे याद आता है ये लड़की तो वो खुद है। और यहाँ दिखाया जाता है नैन्सी को एक आदमी का ब्रेकअप करवाना था पर गलती से नैन्सी ने क्लियर ना होने की वजह से वो आदमी जायो को समझ लिया होता है। दिन तो वो जायो को सॉरी कहकर चली गई थी पर अब वो घबरा जाती है कहीं जायो ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। और तभी यहाँ जायो आ जाता है और जैसे ही नैन्सी यहाँ जायो को देखती है वो अपने लिपस्टिक पूरी डार्क कर लेती है कि जायो उसे ना पहचान पाए। और अब वो जायो को कहती है तुम यहाँ क्यों हो। अब कहता है मैं लंच के लिए जा रहा हूँ तो तुम भी साथ चल सकती हो। यहाँ ये दोनों कार में होते हैं। जायो बस नैन्सी को देख रहा होता है। नैन्सी कहती है क्या हुआ है तुम्हें। यहाँ जायो उसके बहुत ही क्लोज आता है। नैन्सी तो घबरा जाती है बहुत ही क्लोज होता है। नैन्सी ये तुम क्या कर रहे हो। जायो तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो गई है तो मैं उसे ठीक कर रहा हूँ। पर नैन्सी की तो यहाँ सांसें अटकी होती है। नैन्सी मन में कहती है इतना हैंडसम क्यों है। जैसे ही जायो उसकी तरफ देखता है वो नजरें छुपा लेती है। नैन्सी को इस तरह देखकर जायो स्माइल कर रहा होता है। तब नैन्सी वहाँ से पेट दर्द का बहाना बनाकर भाग जाती है। अब इधर नैन्सी जायो के कैबिन में अपनी यूनिफॉर्म की फाइल ढूंढ रही होती है। इधर जायो नैन्सी के लिए खाना लेकर आया होता है। वो अपने कैबिन में जाता है। देखते हैं नैन्सी डेस्क के नीचे छुप गई होती है। वो चुपके से बाहर आ जाती है। देखती है जायो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। फटाफट से वो खाना खा लेती है। जैसे ही वहाँ से जाने लगती है जायो उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है मैंने तो तुम्हें ढूंढा तुम कहीं नहीं दिखी। नैन्सी मैं तो यहीं थी। तभी ली आकर जायो को बताता है उसे वो लड़की मिल गई है क्योंकि जायो को फ्रेम कर रही थी प्रेग्नेंट वुमन। ये सुनकर तो नैन्सी घबरा जाती है। जायो कहता है मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। नैन्सी कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की ने गलत फहमी में इल्जाम लगा दिए हूँ। जायो कहता है तुम उसे सपोर्ट क्यों कर रही हो। तो नैन्सी चुप हो जाती है। और अभी इधर नैन्सी तैयार हो रही होती है तो जायो से मिलना जो है। और यहाँ वो अपना फेस बदल कर आई होती है तो किसने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा होता है। जायो कहता है अपना मास्क उतारो। नैन्सी कहती है मुझे एलर्जी हो गई है, मैंने मास्क हटाया तो तुम दोनों को भी परेशानी हो सकती है। अब जायो पूछता है बताओ तुमने उस दिन मुझे फ्रेम क्यों किया, तुम्हें किसने भेजा था मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए। नैन्सी कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने उस दिन तुम्हें कोई गलत आदमी समझ लिया।
जायो कहता, मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं। तब नैन्सी उसे बताती है वो एक स्कम्बिस टेस्टर है। उस दिन वो कैफे में लूथिंग नाम के आदमी को फ्रेम करने गई थी, फिर उसके गर्लफ्रेंड के कहने पे कि वो अपने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा था। फोटो क्लियर ना होने की वजह से ने जायो को लूथिंग समझ लिया। ना जायो नैन्सी की बातों पे यकीन तो नहीं कर रहा होता है। नैन्सी उससे माफी मांगती है। जायो कहता है ठीक है, तुम्हें सोशल मीडिया पे माफी मांगनी होगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया मेरी लॉयर्स की टीम तुमसे बात करेगी। यहाँ नैन्सी घबरा जाती है, अगर उसने अपना मास्क हटाया तो सब उसे पहचान जाएंगे। इधर ऑफिस में जायो को देख कर नैन्सी जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। जायो ली को कहता है क्या मैं ऐसे दिखा नहीं। ऑफिस में भी जायो को देखकर नैन्सी भाग रही होती है। वो गिरने वाली होती है पर जायो पकड़ लेता है, कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। नैन्सी कहती है बिल्कुल नहीं। जायो कहता है तो भाग क्यों रही हो। वो अब नैन्सी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसे अवॉइड कर रही है। जायो पूछता है बताओ तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। नैन्सी कहती है मैंने सुना है लड़के आसानी से लड़कों के पीछे आती है, लड़के उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। पर यहाँ जायो को लगता है प्रेगनेंट वुमन वाले इंसिडेंट की वजह से नैन्सी उसे इग्नोर कर रही है। क्या वो नैन्सी को कहता है लड़की झूठी थी, उसने कोई और समझ के मुझे फ्रेम किया था उस दिन। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारी से बात कराता हूँ। यहाँ वो नैन्सी को कॉल कर रहा होता है। नैन्सी जल्दी से अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है। जब कॉल पिक नहीं होता जायो कहता है लड़की बहुत ही चालाक है, उससे तुम्हें फेस टू फेस मिलवाऊंगा ताकि सारी गलतफहमी दूर हो पाए। नैन्सी जायो का हाथ पकड़ती है और कहती है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, लेकिन जायो कहता है फिर भी तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। यहाँ जायो अपने मन में कह रहा होता है ये मुझ पे भरोसा करती है तो कभी अवॉइड करती है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इधर नैन्सी सारी बात डॉन को बताती है, कहती है ला मैं एक ही जगह पे दो आदमी बनकर कैसे पहुँच पाऊंगी, अगर कल मैं नहीं गई तो जाओ जायो अपने लॉयर्स को भेजेगा। डॉन कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है मरने का। यहाँ नेक्स्ट डे जायो और ली नैन्सी को लेने आए होते हैं कि उसे वो सूजिंग से मिलवा सके, पर यहाँ उन्हें पता चलता है एलर्जी की वजह से नैन्सी की मौत हो चुकी है। ये सब तो डॉन और नैन्सी की प्लानिंग थी ताकि जायो फिर से नैन्सी को कभी ना ढूंढे। और अब यहाँ जायो नैन्सी को कहता है आज तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए चलना है। ये सुनकर नैन्सी घबरा जाती है, यहाँ गिरने से उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ जायो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करता है। यहाँ वो नैन्सी को एक नेकलेस पहनाता है, नैन्सी के बहुत ही क्लोज होता है तो नैन्सी कहती है मैं खुद कर लूंगी। तब यहाँ वो नैन्सी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। नैन्सी यहाँ घबराई होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बाउल में खाना शुरू कर देती है तो वो एम्बेरस फील ना करे। यहाँ जायो भी उसका साथ देता है। यहाँ जायो के पेरेंट्स तो ये देखकर हैरान थे। तब यहाँ नैन्सी कहती है मैं सालों तक जर्मनी में थी इसलिए यहाँ की बहुत सारी चीजें मैं भूल चुकी हूँ। अब यहाँ जायो के फादर मिस्टर सू को कॉल करते हैं और यहाँ नैन्सी को कहते हैं अपने फादर से बात करो। यहाँ नैन्सी घबरा जाती है, अगर सूजिंग के फादर ने उसकी आवाज़ पहचान ली तो क्या होगा। घबराते हुए कॉल ले लेती है और यहाँ सूजिंग के फादर से बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। यहाँ किसी को भी शक नहीं होता कि नैन्सी सूजिंग नहीं है। यहाँ नैन्सी जायो के फादर से उनके लंचिंग विलेज के रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, कहती है यह प्रोजेक्ट जायो को क्यों नहीं मिला। यहाँ जायो के फादर को लगता है सूजिंग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रही है, जरूर उसके फादर इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ वो नैन्सी को कहते हैं मैं तुम्हारी और जायो के शादी के बाद मैं ये प्रोजेक्ट गिफ्ट में दे दूंगा। ये सुनकर जायो के मन में एक ही ख्याल होता है, प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उसे नैन्सी यानी सूजिंग से शादी करनी होगी। और तभी यहाँ पर निंग एक फाइल लेकर आता है, उसे देखकर नैन्सी घबरा जाती है और छुप जाती है। यहाँ वो अपनी इयररिंग्स खो जाने का बहाना बनाती है। तभी यहाँ फायर अलार्म बजाता है, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। नैन्सी भी मौका देकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जायो उसे अंदर ढूंढ रहा होता है, नैन्सी बाहर आती है। जायो के पेरेंट्स बताते हैं कि जायो उसे अंदर ढूंढ रहा है, नैन्सी भी अंदर चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे को ठीक देख कर खुश होते हैं। नैन्सी जायो का हाथ पकड़ती है, उसे लेकर बाहर आ जाती है। यहाँ जायो नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज करता है। नैन्सी कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जायो पर क्यों नहीं, तुम तो मुझे पसंद करती थी। नैन्सी पहले पसंद करती थी पर अब नहीं। जायो पर क्यों नहीं, नैन्सी हाँ जायो की बात है उस पर दोहरा देती है, कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारा यह चेहरा पसंद नहीं आया। उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। जायो तो पूरी तरह से शॉक था। यहाँ देखते हैं सूजिंग का फादर बन गए डॉन्ग ने कॉल किया था। इधर जायो तो गुस्से में होता है कि नैन्सी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इधर नैन्सी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अपने फॉर्म की फाइल ढूंढ रही होती है। तभी डॉन्ग उसे मैसेज करता है जायो ऑफिस वापस आ चुका है, जल्दी से वहाँ से निकले। नैन्सी को फाइल कहीं नहीं मिलती। इधर जायो को शक हो चुका है उसके ऑफिस में कोई इंटर कर चुका है। यहाँ डॉन्ग इलेक्ट्रीशियन बनकर जायो का रास्ता रोक रहा होता है। जायो को उस पर भी शक हो जाता है। वो जल्दी से अपने इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आता है। यहाँ से वो नैन्सी को निकलते हुए देख लेता है। नैन्सी को कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को।
नैन्सी क्या दी है? मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी इयररिंग्स खो गई हैं। मेरी फेवरेट इयररिंग्स थी, लगता है मैंने उसे ऑफिस में कहीं घुमा दिया है। जब तक मैं उसे ढूंढने लेती मुझे नींद नहीं आएगी। और तभी नैन्सी की नजर जा रही है उसके फार्म की फाइल तो डायो ने अपने हाथ में ली होती है। नैन्सी डायो को कह दी है, तुम मेरे लिए क्या करोगे? की तरह तुम्हारी इयररिंग्स खो गई है तो उसकी जगह तुम दूसरी ले लो। नैन्सी स्माइल करते हुए कहती है, तुम समझ नहीं पा रहे, वो मेरी फेवरेट इयररिंग्स थी। अब नैन्सी देखती है डायो तो उससे बहुत ही गुस्सा है, ने उसके मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट जो किया है। तो अगर उसे अब फाइल हासिल करना है तो चाय का भरोसा फिर से जीतना होगा। वो चाय को कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नैन्सी की बातों से तो चाय को फर्क ही नहीं पड़ता और कहता है, अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। यहाँ जायो नैन्सी को कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नैन्सी कहती है, मैं खुद से चली जाऊंगी। जायो से दूसरी बार पूछता भी नहीं और चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट डे नैन्सी जायो के स्टेप मम के ऑफिस में आ जाती है। अभी भी वो अपने फार्म की फाइल ढूंढ रही होती है। लगा होता कि जायो ने फार्म की फाइल यहाँ रखी होगी। तभी यहाँ मिश्रण आ जाती है, नैन्सी छप जाती है। यहाँ मिश्रण फोन पे बात कर रही होती है, वो जायो को सबक सिखाने वाली है। जायो कभी भी उनसे बैठ नहीं जीत पाएगा। वो कहती है जायो को, उसके क्लाइंट टोंग से बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। नैन्सी पूरी बात समझ नहीं पाती। क्या वो डिया से पूछती जायो और उसके स्टेप मॉम के बीच कौन सी बैठ लगी है। डिया उसे बताती है, अगर मिस्टर जायो ने 3 महीने में कंपनी को 30% प्रॉफिट मिलाया तो उन्हें लंक्शी विलेज का रिसोर्ट प्रोजेक्ट में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें सबको छोड़कर वापस अब्रॉड जाना होगा। ये सुनकर नैन्सी को लगता है उसे जायो को वार्न करना चाहिए। यहाँ नैन्सी जायो के पास आती उसे कहती है, तुम्हें अपने क्लाइंट मिस्टर पॉन्ग को ठीक से जानना चाहिए। जायो कहता है, तुम तो उसे जानते भी नहीं, पर मैं बात क्यों कर रही हूँ। अब नैन्सी वहाँ से चली जाती। यहाँ जायो ली को कहता है कि वो पॉन्ग को इन्वेस्टिगेट करे। फिर नैन्सी ने जायो को कॉल करके बुलाया होता है डिनर पे। जायो तो बहुत ही एक्साइटेड होता है, पर वहाँ वो देखता है मिस्टर पॉन्ग के साथ बैठी है। हाँ, वो पॉन्ग नैन्सी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। दरअसल ये एक आर्ट डिजाइनर है। नैन्सी यहाँ उसकी एक फैन बनकर उससे मिलने आई थी। उसे ऐसे देखकर तो जायो को गुस्सा आ रहा होता है। नैन्सी जायो को इशारा कर दी, जायो पास की टेबल पर बैठ जाता है और फिर नैन्सी जानबूझकर उनके कपड़ों पे वाइन गिरा देती है। वो वॉशरूम चला जाता है। इधर नैन्सी देखती है जायो तो कहीं नहीं होता। इधर जायो वॉशरूम में पॉन्ग को धक्का देकर बाहर आ जाता है। नैन्सी को कहता है, तुम ठीक हो? मैं नैन्सी जायो को कहती हूँ, तुम्हें यकीन हुआ तुम्हें पॉन्ग के बारे में क्यों बता रही थी? इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। इसके कैरेक्टर के बारे में मीडिया में बात आई तो ये तुम्हारी कंपनी को बहुत ही इफेक्ट करेगा, ये तुम्हारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर है। यहाँ जायो ड्रिंक करने लगता है, नैन्सी उसे रुकती है। जरूर पॉन्ग ने स्वाइन में कुछ मिलाया होगा। जायो उसके बात नहीं सुनता और ड्रिंक कर लेता है। नैन्सी उसके क्लोज आती है और कहती है, तुम ठीक हो? जायो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। नैन्सी तो घबरा जाती है जब उसे सामने से पॉन्ग आता हुआ दिखता है। फिर से दूर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पॉन्ग नैन्सी को ड्रिंक ऑफर करता है। नैन्सी ड्रिंक पीने के बजाय फेंक देती है। अब ये देखकर जायो बहुत ही खुश होता है। यहाँ पॉन्ग नैन्सी को कहता है, चाहता हूँ कि तुम मेरी मॉडल बनो। साथ में वो नैन्सी को अपने आर्ट गैलरी दिखाने की बात कर रहा होता है। नैन्सी कहती है, अब उसे घर जाना है। यहाँ वो ड्रिंक होने का नाटक भी कर रही होती है। नैन्सी को पकड़ के अपने साथ लेकर जा रहा होता है। जायो भी उसके पीछे होता है। तभी यहाँ कुछ ड्रिंक लोग जायो का रास्ता रोक लेते हैं। तब तक इधर पॉन्ग नैन्सी को अपनी कार में बिठा देता है। नैन्सी कार से उतरने लगती है, वो उसके कुछ चेहरे पे डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जायो नैन्सी के पीछे आ रहा होता है। तब तक पॉन्ग कार लेकर चला जाता है। जायो जल्दी से ली को नैन्सी की लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। इधर पॉन्ग नैन्सी की बेहोशी का फायदा उठाकर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तभी यहाँ जायो आ जाता है, उसे जोर से पंच करता है। वो नैन्सी को संभालता है, उस पॉन्ग को अच्छे से सबक भी सिखाता है। जायो नैन्सी को यहाँ होश में लाता है, कहता है, आगे से तुम्हें खुद का खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। नैन्सी कहती है, तुम्हें गुस्सा होने के बजाय मुझे सिर्फ थैंक यू कहना चाहिए। जब जायो कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, नैन्सी घबरा जाती है और कहती है, मैं अच्छे मूड में हूँ तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे कुछ काम करना है। और इधर देखते हैं जायो पे बहुत ही गुस्सा होता है। इतने टाइम से पॉन्ग उसका क्लाइंट था, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी। उसके कैरेक्टर के बारे में मीडिया में आती तो उसकी कंपनी को बहुत ही लॉस होता और वो मिस्टर मिस सुन से अपने वेट कभी नहीं जीत पाता। वो लिखो कहता है उनके साथ उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाए, साथ ही पॉन्ग की जगह न्यू आर्ट डिजाइनर को ढूंढा जाए।
इधर नैन्सी चाय को मनाने के लिए हेल्प करने का सोचती है। वहाँ एक आर्ट डिजाइनर से मिलती है। वो आर्ट डिजाइनर कहता है उसे इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही है, जैसे वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसे कहती है इंस्पिरेशन के लिए उसे क्या करना होगा। ये आर्ट डिजाइनर कहता है फोटोग्राफी करूंगा। इधर नैन्सी चाय को अपने साथ डेट पे चलने को कहती है। नए दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ दूर बैठा तो नैन की पिक्चर्स ले रहा होता है। कहता है दोनों को थोड़ा अच्छे से स्माइल करना चाहिए। यहाँ नैन्सी और जायु दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। तो उन्हें उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है कि उसे कुछ इंस्पिरेशन मिल पाए। यहाँ नैन्सी झूले पे बैठना चाहती है, पर यहाँ एक छोटा बच्चा होता है कि नैन्सी को कहता है सिर्फ तुम बैठ सकती हो। यहाँ जायु उसे घूर रहा होता है। जब ये बच्चा वहाँ से रोते हुए चला जाता है, नैन्सी जायु को कहती है तुमने उस बच्चे को डरा दिया। जायु कहता है मेरा इतना हैंडसम सा फेस उसे डरावना लगा। ये दोनों साथ में ऐसे ही वक्त बिता रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं टोनी उनके आसपास कहीं नहीं होता। यहाँ जायु उसे कॉल करता है। टोनी बताता है कि उसे उसकी इंस्पिरेशन मिल चुकी है। इधर जायु नैन्सी के साथ अपनी गेट के लिए एक घर देखने आया होता है। नैन्सी जायु के साथ उसके घर तक आती है, घर के अंदर जाना चाहती है। इससे पता चला है जायु ने उसके फार्म फाइल अपने घर में रखी है। यहाँ तो जायु अपने घर में इनवाइट भी नहीं करता, उसे बाय कर देता है। इससे तो नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आता है। कुछ ही देर बाद वो नैन्सी को कॉल करके बुलाता है अपने घर और कहता है देखो मेरी बिल्ली को एलर्जी हो गई है। नैन्सी कहती है ये तो बस एक स्कार है। तब यहाँ ये दोनों हंस रहे होते हैं। बहुत रात हो गई होती है। जायु नैन्सी को कहता है अब तुम घर जा सकती हो। नैन्सी मन में कहती है कैसा आदमी है, एक बार भी मुझे रुकने को नहीं कहा। यहाँ टेबल पर नैन्सी को अपने फॉर्म की फाइल भी दिखती है। वो तो उसे लेना चाहती है पर कुछ नहीं कर सकती। इधर नेक्स्ट डे नैन्सी जायु को कहती है वहाँ डिजाइनर को ढूंढने में मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें कुछ तो रिपोर्ट देना चाहिए। इधर टीना जायु को बहुत ही मिस कर रही होती है। वो अपने बचपन के मोमेंट्स याद कर रही होती है। वो बहुत ही छोटी थी, जायु हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था। इधर अभी सब लोग डिनर पे आए होते हैं। यहाँ जायु की वजह से सब लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ नैन्सी सबकी मदद करती है। वो गेम खेलना शुरू करती है जैसे कि धीरे धीरे सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ नैन्सी बहुत ज्यादा जायु को ड्रिंक करवा रही होती है, खुद थोड़े से ड्रिंक में डली हो जाती है। जायु उसे बहुत मुश्किल से संभाल के अपने रूम में लेकर आता है। यहाँ तो नैन्सी उसे बहुत ही परेशान करती है, इसके ऊपर गिर जाती है तो कभी उसे पकड़ लेती है। दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं। सुबह नैन्सी की आंखें खुलती है, खुद को इस हाल में देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक थी। और इसे यहाँ नैन्सी को लगता है उसके और जायु के बीच कुछ हुआ है। तभी यहाँ जायु वॉशरूम से बाहर आता है। नैन्सी तो उसे देखकर छुप जाती है। यहाँ मन में सोच रही होती है जरूर कल रात कुछ हुआ था। यहाँ जायु तो बस स्माइल कर रहा होता है। जायु नैन्सी को कहता है तुम चेंज कर लो। फिर नैन्सी वापस बाहर आती है, देखती है जायु के कमर पे चोट के निशान होते हैं। ये किसी सर्जरी के लग रहे थे। जायु से पूछती है तुम्हें ये चोट कैसे आई। जायु बात को ढाल देता है। और अब यहाँ नैन्सी जायु को कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जायु तो बस उसे देखता रह जाता है। वो नैन्सी को कहता है मैं इतनी सीरियस बात फ्रेंकली नहीं करनी चाहिए। नैन्सी कहती है तुम्हारा क्या मतलब। जायु नैन्सी को अपना फोन देता है। यहाँ नैन्सी देखती है रात ड्रंक हालत में उसने जायु को बहुत ही परेशान किया था, यहाँ तक के बेचारे पे अपने हाथ पैर भी चलाए होते हैं। नैन्सी कहती है क्या बस यही सब हुआ था। जायु उसके क्लोज आकर कहता है और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। नैन्सी कहती है वही जो करना चाहिए। जायु तो बस उसे देखता रह जाता है। तभी यहाँ डोरबेल नॉक होती है, दरवाजे पे टीना होती है। जायु नैन्सी को छुपने को कहता है। यहाँ टीना जायु को कहती है मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहे हो, मैं तुमसे बहुत ही गुस्सा हूँ। जायु तो उसे भगाने की कोशिश कर रहा होता है। टीना घर के अंदर आ जाती है। तब यहाँ वो नैन्सी को देख लेती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। टीना तो नैन्सी को ऐसे यहाँ देखकर बहुत ही गुस्सा थी। अब ये तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। टीना जायु के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। जायु जब खाना नैन्सी को देता है टीना उसे खाना भी छीन लेती है। ये देखकर तो नैन्सी हैरान थी। यहाँ कार में भी टीना जायु के पास आगे बैठ जाती है, नैन्सी को पीछे बैठने को कह दिया। यहाँ तो नैन्सी का गुस्सा आ रहा था। यहाँ टीना जायु के साथ पिक्चर्स ले रही होती है, इन पिक्चर्स में भी नैन्सी आ जाती है। और अब ये तीनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ नैन्सी टिया से पूछती है आजकल टीना ऑफिस में क्यों मंडराती रहती है। तो यहाँ टिया बताती है जायु की चाय की कंपनी और टीना एक प्रोजेक्ट पे साथ ही काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट चायु के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है की हेल्प से चायु अपने बैट जीत सकता है। इधर नैन्सी अपना काम कर रही होती है, तभी जायु उसके पास आता है, कहता है टीना को एक असिस्टेंट की जरूरत है, वो उसके लिए असिस्टेंट बने। यहाँ नैन्सी कोई जवाब नहीं दे रही होती। जायु कहता है ठीक है मैं किसी और से कह देता हूँ। नैन्सी यहाँ जायु के करीब जाती है, उसकी टायर ठीक करते हुए कहती है हमारे लिए प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उसके लिए साथ काम करने को तैयार हूँ, सभी मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हूँ। यहाँ टीना तो सोच रही थी वो नैन्सी को बहुत ही परेशान करेगी।
और अब देखते हैं आटीना नैन्सी को परेशान करने के उसे अपने बड़े से पोस्टर को साफ करने को कह दिया। नैन्सी कहती है ये पोस्टर तो पूरा साफ है। टीना कहती है तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है। आटीना देखती है नैन्सी ठीक से काम नहीं कर रही, वो खुद ही पोस्टर को साफ करने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ जाती है। यहाँ उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाती है। अब देखते हैं यहाँ टीना के हाथों पे प्लास्टर चढ़ा होता है। हाँ वो जायू को बता रही होती है ये सब नैन्सी की वजह से हुआ है। जायू कहता है तुम्हारी गलती की वजह से हुई है, बाकी के स्टाफ ने मुझे बता दिया है। टीना कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, हर एक स्टाफ की वजह से मुझे ये चोट आई है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। तो जाय कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। टीना कहती है मैं तुम्हारे घर पे रुकूंगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। ये सुनकर तो यहाँ सारे लोग हैरान थे। जायू नैन्सी को देख रहा होता है, जायू कोई जवाब नहीं देता। तो यहाँ टीना कहती है उसने उसके बात नहीं मानी तो वो उसकी कंपनी के साथ अपने प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर देगी। नैन्सी जानती है प्रोजेक्ट जायू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टीना को कहती है तुम जायू के घर पे रुक सकती हो, वहाँ मैं भी रुकूंगी ताकि तुम्हारा ख्याल रख पाऊँ। टीना को ये बात पसंद तो नहीं आती। यहाँ जायू इसके लिए एग्री होता है तो वो भी मान जाती है। पर यहाँ तो जायू नैन्सी को देख रहा होता है, वो टीना को पसंद नहीं करती इसके बावजूद उसका ख्याल रखने को भी तैयार है, सिर्फ इसलिए कि प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर अब सीन चेंज होता है, नैन्सी ने टीना का सारा सामान शिफ्ट कर दिया होता है। वो टीना को कहती है तुम यहाँ आराम से सो जाओ। टीना देखती है नैन्सी जायू के रूम में जा रही है। यहाँ वो टीना को कहती है तुम मेरे साथ सोओगी, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं क्या करूँगी। तभी जायू डोर खोलता है, कहता है तुम दोनों अब तक सोई क्यों नहीं। अब वो दोनों रूम में चले जाते हैं। यहाँ टीना नैन्सी को कहती है खबरदार जो तुम बीच रात में मुझे छोड़कर जायू के पास गई दो। यहाँ देखते हैं टीना को अंधेर से बहुत ही डर लगता है। मौसम खराब होने की वजह से यहाँ बिजली भी चली जाती है। टीना बहुत डरी होती है, नैन्सी उसके लिए कैंडल्स लेकर आती है, कहती है मैं बाहर लाइट चेक करके आती हूँ। यहाँ जायू भी नैन्सी के साथ लाइट चेक करने आया होता है। ये दोनों काफी क्लोज होते हैं और यहाँ जायू नैन्सी को किस करता है, पर ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। नैन्सी जायू को कहती है अगर तुम इसी तरह खड़े रहे तो मैं लाइट चेक कैसे करूंगी। जायू साइड हो जाता है। यहाँ वो सोच रहा होता है कि उसके मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। और अब यहाँ वो कल रात के वक्त याद कर रहा होता है, नैन्सी ने ड्रंक हालत में उसे किस किया था। और अब नैन्सी अपने कपड़े निकाल रही होती है, जायू उसे चादर में लपेट देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जायू नैन्सी के बारे में सोच रहा होता है। इधर नैन्सी की आंखें खुलती है, टीना को इस तरह सोता देख कहती है इसे तो ये मुझे हमेशा परेशान कर दिया पर ये बहुत ही क्यूट है। और अब यहाँ ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। टीना जायू को खाना खिलाने को कहती है, यहाँ नैन्सी उसके मुँह में ब्रेड डाल देती है, कहती है इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। और अब टीना जायू को कहती है मेरा ख्याल रखने के लिए आज तुम घर पे ही रुको। जायू कहता है मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रुकेगी। और वो बाय करके चला जाता है। यहाँ नैन्सी के पास अच्छा मौका होता है, वो जायू के रूम में जाने की कोशिश कर रही होती है कि अपने फार्म की फाइल ढूंढ पाए। जैसे ही वो डोर ओपन कर रही होती है टीना आ जाती है, कहती है तुम अंदर नहीं जा सकती। नैन्सी कहती है मैं तो बस सफाई के लिए जा रही हूँ। टीना कहती है घर में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, जायू को पता चला तुम उसके रूम में गई तो वो बहुत ही गुस्सा होगा। तो नैन्सी भी नहीं चाहती। यहाँ नैन्सी केट के साथ खेल रही होती है, टीना पूछती है ये कैट किसका है। नैन्सी कहती है इसे जायू ने रखा है, इसके बहुत ही केयर करता है। ये सुनकर टीना कैट को बाहर वॉक पे लेकर निकल जाती है। उसे लगता है कैट का ख्याल रखता देख जायू उसे पसंद करेगा। इधर जायू ऑफिस से घर वापस आता है, यहाँ का माहौल देखकर तो वो शॉक हो जाता है। दोनों की लड़ाई रोकता है, वो नैन्सी पे चिल्लाता है आखिर वो टीना से इस तरह क्यों लड़ रही है। नैन्सी चाय को कहती है तुम अपने इस फ्रेंड से ही क्यों नहीं पूछ लेते। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और अब टीना रोते हुए जायू को बताती है वो कैट को वॉक पे लेकर गई थी, अपने कैट को घुमा दिया। टीना कहती है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यहाँ जायू उस पर बहुत ही गुस्सा होता है। यहाँ बाहर बहुत बारिश हो रही होती है, वो नैन्सी को देखने के लिए निकल जाता है। यहाँ वो हर तरफ नैन्सी को आवाज दे रहा होता है। जब नैन्सी देखती है जायू उसे ढूंढने आया है, यहाँ वो उसे हग कर लेती है। जायू नैन्सी को घर चलने को कहता है, आइए दोनों लिफ्ट में आते हैं, इन्हें इनकी कैट मिल जाती है। नैन्सी जायू को कहती है हमारी कैट तो बहुत ही चालाक है, उसे घर का रास्ता पहले से ही पता था, हम इसे ढूंढ रहे थे। इधर टीना जायू से माफी मांग रही होती है, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। और जायू टीना को कहता है अपना सामान पैक करो, अपने घर वापस जा रही हो। टीना कहती है मेरा ख्याल कौन रखेगा। जायू कहता है मैं तुम्हारे लिए नर्स हायर कर लूंगा, तुम मेरा घर छोड़ के जा रही हो। जायू यहाँ ली को कहता है वो टीना को उसके घर छोड़ दे। नैन्सी उसकी हेल्प करने लगती है, टीना कहती है तुम्हें नाइस बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बुरी हो।
यहाँ नैन्सी देखती है उसके फार्म के फाइल मेज पे पड़ी है। वो चुपके से फाइल ले लेती है और तभी यहाँ जाइयो उसके पास आता है। नैन्सी को फाइल मिल गई है। वो उन दोनों के रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वो जाइयो को कहती है दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो जाइयो हैरान होता है, नैन्सी को कहता है याद है ना कल तुमने मुझे शादी करने को कहा था। नैन्सी अपने रूम में चली जाती है। यहाँ नैन्सी जाइयो के घर से निकल जाती है और देखती है फाइल तो उसके फार्म की फाइल होती ही नहीं, कि ये कोई और फाइल है। इससे तो उसे बहुत ही पछतावा होता है। जाइयो से ब्रेकअप ही कर लिया और उसे फाइल हासिल करने के लिए दोबारा जाइयो को मनाना होगा। इधर ली टीना को छोड़ने के लिए जा रहा होता है। देखता है टीना बहुत ही गुस्से में है, उसे एक कैंडी देता है। यहाँ देखते हैं ये सीक्रेटली टीना को बहुत ही पसंद करता है। टीना ली को कहती है तुम्हें कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट कैंडी है। ली कहता है मैंने बस गेस किया। जब टीना ली को कह दिया जब मैं छोटी थी जाइयो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, जब से वो एयरपोर्ट से वापस आया है ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं। इधर जाइयो को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है सोचकर कि नैन्सी उससे ब्रेकअप करना चाहती है। हाँ नैन्सी सुबह सुबह जाइयो के घर पहुंच जाती है, उसे मनाने की कोशिशें कर रही होती है पर जाइयो तो उससे बहुत ही गुस्सा होता है, उसे इग्नोर कर रहा होता है। नैन्सी जाइयो को कहती है क्या तुम कल रात की वजह से गुस्सा हो, मैंने वो सब ऐसे ही कह दिया था, मैंने कल रात हम दोनों के बारे में सोचा हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ जाइयो नैन्सी को कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ले जाकर इलाज करवाओ अपना, अभी तुम्हें मुझसे शादी करनी होती है तो कभी ब्रेकअप। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर देखते हैं ली बहुत ही एक्साइटेड होता है कि वो जाइयो के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है। यहाँ टिया और मुशान कहते हैं मैंने लगता आज बॉस बहुत ही लेट कर रहे हैं ऑफिस आने में। और बेचारे ली को पता चलता है जाइयो तो नैन्सी के साथ बिजनेस ट्रिप पे पहले ही निकल चुका है। फिर टीना भी ऑफिस जाइयो से मिलने आई होती है और उसे भी पता चल जाता है कि जाइयो नैन्सी के साथ गया है। यहाँ वो ली को कहती है तुम मुझे जाइयो के पास लेकर चलोगे और उसे नहीं बताओगे मैं वहाँ आ रही हूँ। ली कहता है अपने बॉस से कुछ भी नहीं छुपा सकता। टीना कहती है जाइयो ने तुमसे पूछा कि मैं वहाँ आ रही हूँ, कहता है नहीं। टीना कहती है तो बात क्लियर है तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हो। अब यहाँ देखते हैं जाइयो बदला लेने के लिए नैन्सी को बीच रास्ते में ही उतार देता है। वो पूरे रास्ते उसे इग्नोर करता है। वो होटल में रूम बुक कर रहा होता है जिससे उसकी आईडी मांगी जाती है। यहाँ नैन्सी घबरा जाती है अगर उसने अपनी आईडी दिखाई उसका सारा पोल खुल जाएगा। अब यहाँ वो जाइयो को कहती है वो उसके ही रूम में रहना चाहती है पर जाइयो कहता है बिल्कुल नहीं के पर्स से उसकी आईडी निकालने लगता है। तभी यहाँ उसकी नजर एक आदमी पे जाती है, ये मिस्टर मिंग है जो उसकी कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उन्होंने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। जाइयो उन्हें आकर हेलो करता है। मिस्टर मिंग कहते हैं उन्हें पहले ही तुम्हारी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दी है, क्या तुम अब मुझे फॉलो कर रहे हो। तब नैन्सी भी सारी बात समझ आती है। वो मिस्टर मिंग को कहते हैं आप गलत समझ रहे हैं, अपना इंट्रो दे दिया और कहते वो जाइयो की गर्लफ्रेंड है, यहाँ वो हॉलीडे सेलिब्रेट इंजॉय करने आए हैं। और अब यहाँ नैन्सी मिस्टर मिंग के वाइफ से बात करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ मिस्टर मिंग अपने वाइफ को इशारा करते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर जाइयो नैन्सी को कहता है अगर तुम मेरे रूम में रुकना चाहती हो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी मिस्टर मिंग को अप्रोच करने में। नैन्सी उसके बात मान जाती है। और अब देखते हैं यहाँ जाइयो नैन्सी को परेशान करने के लिए उससे साइकिलिंग करवा रहा होता है। नैन्सी कहती है अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, जाइयो उसे पीछे बिठा लेता है। यहाँ ये दोनों साथ में बहुत ही एंजॉय करते हैं। इधर टीना भी ली के साथ उसे आइलैंड पे पहुंच जाती है। हाँ तो उसने ली को कुली बना दिया होता है, खुद पिक्चर्स ले रही होती है। अली कहता है मुझे बॉस को बता देना चाहिए कि आप उनके पीछे आई हैं। टीना कहती है अगर तुमने बताया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अली अपने मन में कहता है अगर बॉस को पता चला तो वैसे भी वो भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखते हैं जाइयो नैन्सी को लेकर जानबूझकर उसी जगह पे आया होता है जहाँ मिस्टर मिंग अपनी वाइफ के साथ होते हैं। अब मिस्टर मिंग भी इस बात को नोट कर लेते हैं। यहाँ मिस्टर मिंग डायरेक्टली जाइयो को कहते हैं मेरा पीछा बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। यहाँ मिस्टर मिंग की वाइफ उन्हें कहती है कि वो जाइयो को एक मौका तो दे कि बात सुने। यहाँ जाइयो भी मिस्टर मिंग को कहता है आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। यहाँ मिस्टर मिंग जाइयो को कहते हैं मुझे साइकिलिंग में हरा कर दिखाओ फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। इन दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है। इधर नैन्सी मिस मिंग अपने बातों से इम्प्रेस कर रही होती है। इधर जाइयो ने भी रेस जीत कर मिस्टर मिंग से मौका हासिल कर लिया होता है। यहाँ मिस्टर मिंग उससे प्रोजेक्ट पे बात करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ नैन्सी मिस्टर मिंग को कह दिया आपको पता है जाइयो ने तो इतनी मेहनत मुझे भी मनाने के लिए नहीं किया। इस पे सारे लोग हंसने लगते हैं। और अब ये दोनों होटल वापस आ जाते हैं। वहाँ वॉशरूम में नैन्सी को एक फ्रेंड शाओलिन दिखती है, देखकर वो छुप जाती है। उसे याद आता है उसके दोस्तों ने उसे रियूनियन पार्टी पे बुलाया था, शायद वो पार्टी इसी जगह पे है।
यहाँ से बचकर रहना होगा। इधर टीना चाय को कॉल करके डिनर के लिए बुला दिया। चाय कहता है, तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ आई हो, कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ। इधर नैन्सी अपने दोस्तों से छुपकर भाग रही होती है, यहाँ वो निंग से टकरा छा दी है, पर इन्हें ऐसे देखकर यहाँ चाय को गुस्सा आ रहा होता है। नैन्सी के पास आता है, उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। चायो ने नैन्सी चाय को कहती है, जो उतारने को बहुत से लोग उन्हें देख रहे हैं। चायो कहता है, देखने दो। जायु देखता है नैन्सी के पैरों में चोट लगी होती है, वो उसके लिए मेडिसिन लाने चाहता है। तभी यहाँ पर नैन्सी के लिए स्लीपर्स लेकर आता है। वो नैन्सी को कहता है, तुम जायु के साथ क्या कर रही हो। नैन्सी कह दे, यहाँ पर सोचिंग उससे रिक्वेस्ट कर दी है उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता ना चले, वो प्रिटेंड करे कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कहता है ठीक है, उसे स्लीपर्स पहनाता और कहता है अपना ख्याल रखना। तभी यहाँ पर जायु आ जाता है। निंग को देखकर तो उसे गुस्सा आता है, कहता है असिस्टेंट निंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। निंग कहता है बिल्कुल, और अब निंग जाने लगता है। जायु कहता है, आगे से तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने गर्लफ्रेंड का ख्याल खुद रख लूंगा। अब यहाँ वो नैन्सी के पैरों पर दवाई लगाता है, नैन्सी बस उसे देख रही होती है। देखते हैं लास्ट टाइम चायु टीना से बहुत ही गुस्सा हुआ था, वजह से यहाँ टीना बहुत ही ड्रिंक कर ली थी, और अब वो चायु को कॉल करके कह दिया, अगर तुम मेरे पास नहीं आए मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। उसके बातों से चायु समझ जाता है कि वो बहुत ही ड्रंक है। वो नैन्सी को कहता है, टीना को ढूंढने जा रहा हूँ। नैन्सी कहती है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इधर देखते हैं टीना ड्रंक हालत में पानी की तरह बढ़ रही होती है। अभी चायु उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। टीना चायु को कहती है, जब तक तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार नहीं होते मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो जायु गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम इस तरह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तो टीना कहती है, ठीक है इस पानी में कूद जाऊंगी। अब जायु भी गुस्से में कहता है, ठीक है तुम कूद जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और अब टीना जायु को कहती है, तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है, जब से एवरेस्ट से वापस आए हो तुम बदल गए हो। और तभी वो नीचे गिर जाती है और यहाँ रोते हुए कहती है, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। हाँ तो जायु उसे देखकर बस हंस रहा होता है। टीना कहती है, अब तो मुझे पसंद नहीं करते तो मुझ पर हंसो मत। जायु टीना को कहता है, अगर तुम पानी में नीचे कूदी तो जो तुम्हारे चेहरे का क्या हाल होगा, तुम पूरी डर्टी हो जाओगी। टीना कहती है, मैं पानी में नहीं कूदूंगी। जायु तो टीना की इन हरकतों पर स्माइल कर रहा होता है, रब उसे अपने पीठ पे बिठा कर अपने साथ घर ले जा रहा होता है। नैन्सी हर तरफ जायु और टीना को ढूंढ रही होती है, तभी उसे उसके फ्रेंड्स मिल जाती है। टीना की नैन्सी की फ्रेंड्स पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। नैन्सी बताती है कि यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताने आई है। नैन्सी की फ्रेंड्स कहती है, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और यहाँ निंग भी किसी को भी नैन्सी के बारे में कुछ नहीं बताता। इधर ली भी हर तरफ टीना को ही ढूंढ रहा था। यहाँ जायु ली को कहता है वो टीना को अच्छे से घर ले जाए, और खुद नैन्सी के पास चला जाता है। ये देखकर टीना को बहुत ही गुस्सा आता है, ली उसे सच से कवर करता है। यहाँ टीना की आंखें लग जाती है। ली भी उसके पास बैठकर इंतजार कर रहा होता है उसके जागने का। इधर नैन्सी को याद आता है ग्रैंडफादर ने उसे बताया था चायु का बर्थडे है। यहाँ वो चायु का बर्थडे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करती है। इधर चायु होटल वापस आता है, मैनेजर से बता दी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे इस पते पे आने को कहा है। इधर चायु उस जगह पे आता है, नैन्सी उसे बर्थडे विश करती है। यहाँ चायु स्माइल करती हुई नैन्सी को कहता है, आज मेरा बर्थडे नहीं है। ये सुनकर तो नैन्सी को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने चायु का बर्थडे मनाने के लिए बहुत से प्रिपरेशन किए हुए होते हैं। अरे वो जायु को कहती है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया तो तुम जा सकते हो। तभी यहाँ फायरवर्क्स शुरू हो जाता है, ये दोनों फायरवर्क्स देखने लगते हैं। इधर ली भी टीना के साथ फायरवर्क्स देख रहा होता है। इधर जायु हर तरफ नैन्सी को ढूंढ रहा होता है। तभी मैनेजर से बता उसकी गर्लफ्रेंड ने जो होटल रूम बुक किया था सोचिंग नहीं बल्कि नैन्सी के नाम पे था। और अब यहाँ जायु को नैन्सी की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। यहाँ अभी वो नैन्सी को ये बात नहीं बताता। और अब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं। जायु नैन्सी की सीट बेल्ट लगाने जाता है। जायु को अपने इतने क्लोज देख नैन्सी उसे किस करती है। यहाँ तो जायु उससे गुस्सा होता है। अब यहाँ वो नैन्सी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, नैन्सी शुरुआत से ही उसे धोखा दे रही है। यहाँ नैन्सी भी नोट करती है जायु उसके साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। इधर जायु प्लान बनाता है नैन्सी को रंगे हाथों पकड़ने का। वो नैन्सी को लिंक्शे विलेज उसी के फार्म ले आता है। कहता है यहाँ पे हमारी कंपनी अपना न्यू होटल प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ तो नैन्सी घबरा जाती है, वो अंदर ना जाने के कई बहाने बनाती है। जायु उसे अंदर ले आता है। नैन्सी का डॉग भी उसे पहचान लेता है, उसके आसपास ही घूम रहा होता है। जायु कहता है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डॉग तुम्हें पहले से ही जानता है। नैन्सी कहती है कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ।
यहाँ देखते हैं नैन्सी की कुछ पिक्चर्स लगी होती है और उन सब पे उसके चेहरे पे स्केच चुका दिया गया होता है। देखकर तो नैन्सी राहत के सांस लेती है और ये सब दंग ने किया होता है। यहाँ नैन्सी जायो को वापस चलने को कहती है। जायो कहता है मैं तुम्हें ये पूरा फार्म दिखाना चाहता हूँ। नैन्सी जायो को कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे डेट पे लेकर आए हो। वो जायो को रूम के अंदर जाने से रोक रही होती है। जायो को क्लोज जाने लगती है, उसे गेस करने वाली होती है। जायो यहाँ रूम के अंदर चला जाता है और उसे रूम में कुछ भी नहीं मिलता। इधर जब नैन्सी के आंट को पता चलता है जायो जाग ग्रुप से आया है, यहाँ तो वो उसकी पिटाई शुरू कर देती है। नैन्सी तो बस ये देखकर हंस रही होती है और अब यहाँ नैन्सी को एहसास हो जाता है जायो जानबूझकर उसे फार्म पे लेकर गया था। यहाँ नैन्सी जायो का बहुत ही ख्याल रख रही होती है, उसके बहुत ही केयर कर रही होती है। तब यहाँ जायो भी जानबूझकर नैन्सी से अपने पूरे कंधों की मालिश करवाता है, फिर अपनी बॉडी की भी। नैन्सी बेचारी तो यहाँ पूरी थक जाती है। यहाँ तो जायो बस उसे थैंक यू कहकर सोने को चला जाता है। देखकर तो नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आता है और अब यहाँ जायो देखता है नैन्सी उसके रूम में ढूंढ रही है। समझ आता है कि नैन्सी ने आइडेंटिटी चेंज की है, उसका कुछ तो इंटेंशन है। फिर नैन्सी को भी एहसास हो जाता है जायो उसके पीछे आ रहा है। अब वो वॉशरूम में आती है पर वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। नैन्सी की आवाज सुनकर जायो जल्दी से वॉशरूम में आता है, उसे उठाकर यहाँ बेड पे लिटा देता है। नैन्सी कहती है उसे बैक पे बहुत चोट आई है। यहाँ जायो उसकी मालिश कर रहा होता है। अब जायो नैन्सी के क्लोज जाकर कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नैन्सी कहती है पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जायो कहता है अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जायो के ऐसे सवाल नैन्सी को बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं। जायो को कहती है मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। ये सुनकर यहाँ जायो को बहुत ही गुस्सा आता है, वापस अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे नैन्सी जब अपने रूम से बाहर आती है, जायो उसे स्विचिंग कहने के बजाय नैन्सी कहता है। अब नैन्सी भी समझ जाती है जायो को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। और अब जायो नैन्सी को कहता है तुम इस फाइल को ढूंढ रही हो। नैन्सी तो हैरान होती है, उसका सारा सच जायो के सामने होता है। यहाँ जायो नैन्सी को कहता है बताओ तुमने ये सब क्यों किया, तुम स्विचिंग होने का नाटक क्यों कर रही थी, तुम्हें ये फॉर्म फाइल क्यों चाहिए थी। नैन्सी बता देती है ये फॉर्म उसके डैड का है, ये फॉर्म उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्म की फाइल को ही हासिल करने के लिए उसने स्विचिंग होने का नाटक किया था। पहले तो जायो नैन्सी पे बहुत ही गुस्सा होता है और अब वो नैन्सी को कहता है मैं स्विचिंग होने का नाटक जारी रखना होगा। नैन्सी कहती है पर क्यों, तो तुम्हें मेरा सच मालूम हो चुका है। जायो कहता है उतने वक्त तक तुमने मुझे धोखा दिया, इसके लिए कंपनसेशन तो तुम्हें करना ही होगा। नैन्सी कहती है हम उस फार्म की जगह रिसोर्ट नहीं बना सकते, फार्म मेरी फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जायो कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट बदल नहीं सकता, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो नैन्सी कहती है अभी स्विचिंग होने का नाटक जारी नहीं रखूंगी। जायो कहता है ठीक है हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तुम 3 महीने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक जारी रखो, उसके बाद मैं तुम्हारे फार्म को बचाने की कोशिश करूंगा। तो नैन्सी उसके शर्त मान जाती है। यहाँ तो जायो नैन्सी को बहुत ही परेशान करता है, उसे अपना हर काम करवा रहा होता है। यहाँ तक कि रात को जब वो सोता है नैन्सी को म्यूजिक बजाकर फोन लेकर चलना पड़ता है। जायो पूरी तरह से थक जाती है और अब नेक्स्ट डे ये दोनों ऑफिस आते हैं। कैंटीन का बिल भी जायो नैन्सी को पे करने को कहता है। इधर एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं, बॉस अपनी गर्लफ्रेंड से पेमेंट करवा रहे थे और ये बात पूरी ऑफिस में फैल जाती है। इधर जायो के फादर उसे डांट रहे होते हैं आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो स्विचिंग से ब्रेकअप कर रहा है, फिर उसने अपने गर्लफ्रेंड को पे करने को क्यों कहा। जायो तो हैरान था कि इतनी छोटी सी बात पूरे ऑफिस में फैल चुकी है। जायो के फादर कहते हैं तेरा ये बात फैल चुकी है, तुम्हारे और स्विचिंग के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, तुम दोनों का ब्रेकअप हो रहा है। जायो उन्हें सॉरी बोल कर चला जाता है। इधर मैं सुनकर भी ये बात पता चल जाती है और वो कहती है श्रू फैमिली से जायो का रिश्ता टूटा, वो शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा। इधर नैन्सी जायो के केबिन में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ दिया, तभी जायो उसे अपने करीब खींच लेता है। नैन्सी कहती है तुम क्या कर रहे हो, बोलो मत मैं तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। पर जायो कहता है देखो हमें कोई देख रहा है। नैन्सी कहती है तुम तो बॉस हो और तुम पे नजर रखी जा रही है। जायो कहता है तुमने कैंटीन में मेरे लिए पे किया था, पूरे ऑफिस में रूमर्स फैल चुके हैं हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है, अब इसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। तो अब नैन्सी भी उसके क्लोज चाहती है। यहाँ जायो को कहती है इस काम के लिए तुम्हें मुझे अलग से पेमेंट करनी चाहिए। इधर ली आता है, इस एम्प्लॉय को कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो मैं सुन की सेक्रेटरी हो ना। और वो एम्प्लॉय बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। जब ली अंदर आता है दोनों ही घबरा जाते हैं। जब ली जायो को बताता है मैं सुन ने उस पर नजर रखी हुई है। नैन्सी वहाँ से बाहर चली जाती है। ली जायो को कहता है क्या ये अभी आपकी गर्लफ्रेंड है।
जायू कोई जवाब नहीं देता और अब इधर देखते हैं ये पूरे ऑफिस में लविंग कपल होने का एक्टिंग कर रहे होते हैं। पूरे ऑफिस में हर किसी की नजर इन दोनों पर ही टिकी होती है। जायू नैन्सी को शॉपिंग के लिए बाहर लेकर आता है। देखते हैं मिसन की सेक्रेटरी फिर भी इन दोनों को फॉलो कर रही होती है, मिसन को रिपोर्ट कर रही होती है इन दोनों के बिहेवियर के बारे में। नैन्सी अब जाय को कहती है आज के इतने नाटक से तो सबको यकीन हो गया होगा हमारे बीच सब कुछ ठीक है। तभी जायू देखता है मिसन की सेक्रेटरी अभी भी उसे फॉलो कर रहे हैं। वो नैन्सी को कार के अंदर ले जाता है, उसके बहुत ही क्लोज होता है। नैन्सी कहती है तुम क्या कर रहे हो? जायू कहता है क्या हुआ, क्या तुम शाय फील कर रहे हो? नैन्सी तो बस उसे देखती रह जाती है। अब जायू नैन्सी को कहता है ज्यादा मत सोचो, फिर भी वो एम्प्लॉय हमें फॉलो कर रही थी। तभी यहाँ नैन्सी की नजर एम्प्लॉय पे जाती है, जायू की टाई पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ एक्सीडेंटली दोनों के गेस्ट हो जाती है। ये सब देख कर तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे नेक्स्ट नैन और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।